Actually, I'm here to promote PETA's concept wherein they ask all the wherein they request all the consumer not to use those products which are tested on the animals first. So this is a whole concept. We are trying to show as if this is a blood. This is a blood of animals because we are buying products which are first tested on animals. We are buying these things on the cost of some other animals, their pain. So we should avoid these things and we should go with those products which do not test it on animal. So this is the whole idea. मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है इसके ज़रिए पीटा सबको बताना चाहता है कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं वो पहले सबसे पहले वो किसी एनिमल पे किसी रैबिट पे यूज़ किया जा रहा है उसके बाद ये हम लोग यूज़ करते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू लुक ब्यूटीफुल और हमें ये पता नहीं होता है कि ये किसी की जान गई है इसके पीछे और कितना ब्लड है इसके पीछे. तो वी शुड ऑलवेज सी टू इट कि हम कोई आयुर्वेदिक या वी शुड यूज़ दोज प्रोडक्ट्स जो जिन लोगों ने इसको टेस्टिंग नहीं किया है एनिमल्स पे. सो ये कॉन्सेप्ट है पूरा. मैं जिस टब में बैठी हुई हूँ वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये खून से ये ब्लड से भरा हुआ है. तो जो एनिमल्स हैं उनको भी जीने का हक है. आप क्यों उनकी लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं, आप क्यों उनको परेशान करते हैं. सो हमको अपनी लाइफ में जैसे हम खुश रहना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेट देम लिव देयर लाइफ. उनको डिस्टर्ब मत कीजिए और वो नेचर की चीज़ें हैं, गॉड ने हमको दी है, तो आप उनको परेशान मत कीजिए. और ये ब्लड जो है उसके ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि मैंने इतना मेकअप पहना हुआ है बट ये इसके पीछे किसी एनिमल का ब्लड है, उसकी जान गई है, उसको परेशानी हुई है.